इस क्लास में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन इज 4, -2, -5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो देखो, हम पहले समझ लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। लेट करो, ये हमारे पास कोई एक प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में ax + by + cz + d = 0 दिया हुआ है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर नॉर्मल निकला हुआ है उसके डायरेक्शन को साइन है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो यन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ठीक है। तो हम यन वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, यन वेक्टर को उसके डायरेक्शन रेशियो को लेके ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिख सकते हैं। ये सब कैसे हुआ, हमने पिछले चैप्टर में बहुत बात किया था। और क्या है हमारे पास, सपोज कर लो यहाँ पे कोई पॉइंट एक ए है, ठीक है। हम करते क्या है, इस ए पॉइंट से देखो, ये तुम्हारा प्लेन है, ए पॉइंट कहीं यहाँ पे बीच में है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया इस प्लेन के ऊपर, सपोज कर लो ये किसी बी पॉइंट पे प्लेन को टच किया है, ठीक है। तो ये जो हमने ए बी परपेंडिकुलर गिराया, उसका फुट, फुट का मतलब पैर, ए बी का जो पैर है वो क्या कहलाता है, उस प्लेन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन, किसी भी ये ए बी लाइन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, किसी ले जाओ किसी प्लेन के ऊपर जो जहां पे ये टच किया उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसका, ए बी, ये जो परपेंडिकुलर है उसका फुट बोला जाता है। तो उस फुट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4, -2, -5 दिया हुआ है, ठीक है। और कहां से, ओरिजिन से, मतलब ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 0, 0 हो गया, ठीक है। तो हमको इसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो हमको जो वो एन वेक्टर पता है, ए बी सी का वैल्यू हमको निकालना है और डी का वैल्यू भी निकालना है। तो करते क्या है, हम पहले ए बी वेक्टर बना देते हैं, ठीक है, ए से लेके बी की तरफ, ठीक है। तो देखो, ए बी वेक्टर मतलब क्या, कैसे निकलेगा, ए से बी की तरफ जा रहे, तो 4 - 0 आई कैप मतलब क्या, 4 i कैप, -2 - 0 मतलब क्या, -2 j कैप, -5 - 0 मतलब -5 k कैप, ठीक है। देखो, पिछले क्लास चैप्टर में हमने बात किया था डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बारे में, कि अगर हमारे पास एक कोई लाइन, सपोज कर लो ये ए लाइन है और ये दूसरा लाइन बी है, ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन है, और ये अगर बी भी क्या ए के पैरेलल है, तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन होगा, ठीक है। लेकिन अगर बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो अगर ए का डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन पहले से डिफाइंड हो गया है, तो बी का अगर पूछा जाए तो उसमें क्या होगा, साइन एक निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्यों हुआ, हमने वहां पे देखा था, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी लाइन का ओरिजिन से हम एंगल दो डायरेक्शन में देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बार आपको पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन मिलता है और एक बार निगेटिव डायरेक्शन कोसाइन मिलता है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो देखो, हम ऐसा अपोजिट क्यों बनाया, क्योंकि देखो यन वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में है और ए बी वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखो, यन वेक्टर की बात किया जाए तो, सॉरी, पहले ए बी वेक्टर की बात की जाए, ठीक है। तो ए बी वेक्टर आपका ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए बी वेक्टर बन गया, ए बी वेक्टर ये है। तो किसी भी वेक्टर का जो आई जे के का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। और किसी भी एक यूनिट वेक्टर का आई जे के का कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। ये सब कैसे बनता है, हमने पिछले चैप्टर में बात किया था, ठीक है। तो अगर ए बी का डायरेक्शन रेशियो की बात किया जाए, तो वो कितना है, 4, -2 और -5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो, 4, -2, -5, ठीक है। और हमारे पास यन वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, तो अगर आपसे हमसे पूछा जाए कि अब यन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो इससे जस्ट अपोजिट, क्यों, क्योंकि ये देखो नीचे के डायरेक्शन में है, ये हमको दिया है, इसका पूछ रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा आपके पास, -4, -2 और -5 होगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, कोई भी अगर लाइन पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, लेकिन जब एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे हो जाए, तो क्या होता है, उनमें बस एक निगेटिव साइन का डिफरेंस होता है, वैल्यू तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, 4 है 4 है, 2 है 2, 5 5, बस क्या होगा, एक साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जितना इसका साइन रहेगा, जैसे उसका अपोजिट इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमको ए बी सी का वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पे क्या मिल गया, हमको -4 मिल गया, और क्या,
यहाँ पे क्या मिल गया, बी का वैल्यू 2 मिल गया, सी का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। तो हमको एन वेक्टर मिल गया, ए बी वेक्टर मिल गया, ठीक है। सपोज कर लो कोई ये पॉइंट सी है जो क्या इस प्लेन के अंदर लाई करता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं बी सी वैक्टर के बारे में, ठीक है। बी सी वैक्टर के बारे में, ये जो सी पॉइंट है, सपोज कर लो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर के बराबर है। स्मॉल सी वेक्टर किसके बराबर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर है, ठीक है। और ये जो बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लो स्मॉल बी वेक्टर के बराबर है। स्मॉल बी वेक्टर किसके बराबर है, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप के बराबर है, ठीक है। देखो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाला है, ठीक है। तो देखो यहां तक हमको क्लियर हो गया कि हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया ये नॉर्मल वेक्टर का, एन वेक्टर का, ठीक है। तो अगर हम बात करें बीसी वेक्टर के बारे में, तो बीसी वेक्टर और एन वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। बीसी क्या एक प्लेन के अंदर है, बीबी प्लेन के अंदर लाई करता है, सीबी प्लेन के अंदर लाई करता है, और एन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब बीसी इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, ठीक है। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो वो इसका डॉट प्रोडक्ट बीसी वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 के बराबर। देखो ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो जो पहला क्या बोलते हैं डेरिवेशन किया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, एकदम वही वाला फॉर्म बन रहा है, ठीक है, वही बनेगा भी, ठीक है। ये प्लेन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, बी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, और ये एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एन जो वेक्टर है उसके ये प्लेन परपेंडिकुलर है। सी वाई पॉइंट आपका मूव कर सकता है, इस तरह से मूव करेगा कि जो आपका बी सी डॉट एन है हमेशा 0 होना चाहिए। ये सब बात हमने पहले इस चैप्टर के पहले ही क्लास में किया था, ठीक है। तो देखो बी और सी की बात करें, तो बी सी वैक्टर किसके बराबर है, स्मॉल सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर के बराबर है। ऐसे ही ना बनाओगे, बी सी वैक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, सी डॉट एन वेक्टर माइनस बी डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। तो देखो यही रिजल्ट आने के लिए हमने क्या किया, सी और बी के फॉर्म में लिखा, ठीक है। अगर सी और बी के फॉर्म में नहीं लिखते तो आपको एक्स वाई जेड और ये 4 - 2 - 5 लिखना पड़ता, इसलिए यहीं पे कैलकुलेशन बड़ा हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को सिंपल इजी वे में करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं ये एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर रब कर देते हैं, ठीक है, नोट करो इतना हो गया। तो देखो अब क्या मिला हमको, सी डॉट एन वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर किसके बराबर था, सी वेक्टर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर था, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर था, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर किसके बराबर है, यहाँ पे माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, इतना हो गया। और क्या, माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब क्या, स्मॉल जो हमने बी वेक्टर बनाया था वो कितना था हमारे पास, 4i कैप और क्या, माइनस टू जे कैप माइनस 5k कैप के बराबर। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर आपका ये है, ठीक है, एक सेकंड मार्कर चेंज करें, चलो ठीक है। तो हमारे पास एन वेक्टर कितना है, एन वेक्टर है हमारे पास माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप के बराबर, ठीक है। बस कह रहा हूँ क्या, आप डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ होगा, और ये रिलेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे इक्वल टू में 0 कर देना, ठीक है। तो x है माइनस 4 है, तो कितना मिलेगा, माइनस 4x मिलेगा, माइनस 4x मिला। y है 2 है, तो कितना मिला, प्लस 2y मिला। z है 5 है, तो प्लस 5z मिला। अब यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस का साइन 4 है, चलो पहले ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। 4 है और माइनस 4 है, तो कितना मिल जाएगा, माइनस 16। माइनस 2 है प्लस 2 है, तो माइनस 4। माइनस 5 प्लस 5 माइनस 25, तो ये कितना हो गया, 25 और 16 + 20 माइनस 45 हो गया, ठीक है। माइनस 45 हो गया, और ये माइनस का साइन बाहर है, तो कितना मिल जाएगा हमको, प्लस 45 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है, इतना मिल गया। तो देखो अब बस करते क्या है, एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको निगेटिव मिल गया, तो क्या करो, तो एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई ए निगेटिव साइन, 4x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ए बी सी का वैल्यू मिल गया,
ए बी सी का वैल्यू मिल गया और क्या डी का वैल्यू भी हमको मिल गया। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, डी डीजे जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट में भेज दो, 4x-2y-5z=45। जो ओरिजिनल इक्वेशन मिला था वो ये मिला था, देखो ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू 2 और क्या सी का वैल्यू 5, लेकिन स्टार्टिंग में ही माइनस मिल गया था इसलिए हमने क्या किया थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, डिपेंड करता है कि आपके बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, अगर एंटी पैरेलल है तो उनका अपोजिट होगा। ठीक है, इसको नोट करो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, देख इसमें क्या दिया है, ओ इज द ओरिजिन एंड ए इज द पॉइंट एबीसी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए एट राइट एंगल टू ओए। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, वही ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है और क्या किसी ए पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एबीसी दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए एट राइट एंगल टू ए, ओए प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो आपका प्लेन है इस ए फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट राइट एंगल टू ओ ए, जब अगर हम क्या करें, ओ से ए जो परपेंडिकुलर मिला है उससे क्या है, ये प्लेन 90 डिग्री पे है, तो हमारा जो पिछला क्वेश्चन था एकदम सेम उसी का फॉर्म बन गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो देखो ये जो इक्वेशन होता है ax plus by plus cz plus d equal to 0, इसमें जो d होता है, d कहाँ से आया था, जो हमारा जनरल इक्वेशन था ax minus x1 plus by minus y1 plus cz minus z1 equal to 0, इसी को सिंप्लीफाई करके ये d का वैल्यू आया था। ठीक है, जहाँ पे देखो ये x1 y1 z1 क्या थे, ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब जो प्लेन के अंदर लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट, और क्या abc क्या थे, इससे जो परपेंडिकुलर निकला है यन वेक्टर उसकी डायरेक्शन रेशियो थे। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ax plus by plus cz, उसके बाद क्या मिलेगा, -ax1-by1-cz1=0। तो देखो यहाँ पे ए बी सी क्या है, इस यन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, वो क्या होंगे, किसी भी एक प्लेन के लिए गिवन होंगे। x1 y1 z1 क्या है, किसी भी एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो भी क्या होगा, गिवन होगा, मतलब ये सभी क्वांटिटी हमेशा गिवन होंगी, इसलिए इन सबको मिला के कॉन्स्टेंट डी बना दिया गया था। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, अपने इस ओरिजिनल जो फॉर्म था उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले आपको ए पॉइंट को पुट करना है। ठीक है, x1 y1 z1 की जगह क्या करो, ए बी सी पुट करो, तो क्या मिलेगा, ए एक्स माइनस एक्स वन की जगह ए प्लस बी वाई माइनस बी प्लस सी जेड माइनस सी इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, ये जो बाहर ए बी सी है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यन वेक्टर किसके बराबर होगा, सपोज कर लो यहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ओ ए वैक्टर बना दें, ए का कोऑर्डिनेट ए बी सी है, ओ ए वैक्टर किसके बराबर होगा, ओ ए वैक्टर आपका ओ से ए, तो क्या बनेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के बराबर। ठीक है, तो देखो ओ ए वैक्टर किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, ये जो यन वेक्टर क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में है, मतलब क्या, अगर ओ ए और यन वेक्टर की बात किया जाए तो ये सभी क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो आपका ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो यन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या थे, हमारे पास अननोन थे, हमको मालूम ही नहीं था स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसलिए वैसे लिख दिया था, लेकिन हमको मिला क्या, क्योंकि ओ ए क्या है, नीचे की डायरेक्शन में है, यन वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है तो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो बस क्या करो, पुट कर दो, तो कितना मिलेगा, प्लस है तो माइनस बी रखोगे ना, तो माइनस बी हो जाएगा, वाई माइनस बी माइनस सी जेड माइनस सी इक्वल टू 0, बस क्या करो, इसी को ओपन कर दो, क्या मिल जाएगा, -ax + a² - by + b² - c z + c² = 0। ठीक है, तो a² + b² + c² को उधर रख लो और ये माइनस वाली क्वांटिटी को राइट में भेज दो, तो क्या मिल जाएगा, ax + by + cz = 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी 0 नहीं, क्योंकि राइट में तो भेज ही दिया था। ठीक है, तो ये वो मिल गया हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब आपका प्लेन ए बी सी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और ओ ए गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नोट करो।